सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने ऐसे तराश करके आप लोगों के बीच में उतारा और उन्होंने उस भक्ति को, उस मार्ग को, उस रास्ते को हम सबको दिया। उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, तो ऐसे सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जी के चरणों में, उनकी जन्म स्थली पर इस सत्संग का आयोजन पूर्व से होता आ रहा है और आज भी आप इस समागम का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जिस समय गुरु महाराज की साथ में रहते थे, प्रचार करते थे, तो एक दिन गुरु महाराज जी बैठे थे, स्वामी समनदास जी महाराज, और उनके चरणों में अरदास करी, ऐसे ज्ञान प्रचार हो रहा था। अरदास करी के गुरु महाराज जी, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज तो हमने नहीं शरीर में देखे, लेकिन उसकी महिमा का कुछ कण आप दया करके वर्षा कीजिए। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने यह हाजिरी सुनी और उनसे पूछा गया कि जगत गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो स्वामी समनदास जी महाराज ने वर्षा करी, ज्ञान वर्षा करी और बताया बताया जाता है कि स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज मिलिट्री की नौकरी करते थे। अंग्रेजी शासन में मिलिट्री में भर्ती हुए थे और ऐसे ही अपना कार्य कर रहे थे। एक दिन स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के गुरु गुरु मामचंद दास जी अपने शिष्य ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की खैर खबर लेने के लिए चले जाते हैं उनके मिलिट्री कैंप में। और जब मिलिट्री कैंप में पहुंच जाते हैं तो गुरु प्रेमियों, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी को बताया जाता है कि किसी भी कार्य में वे लगते थे बड़ी लगन से और सहज भाव से पूर्ण तरीके से करते थे। उनके जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने उनको बुला रखा था और अचानक गुरु मामचंद दास जी अपने शिष्य ज्ञान भिक्षुक जी के पास पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो गुरु का दर्शन करते ही शिष्य मगन हो जाता है। आज भी जब गुरु समनदास जी किसी के दर पे जाते थे तो सुध बुध भूल जाते थे। जो शिष्य हैं, जितने भी बैठे हैं, करोड़ों लाखों, जिसके घर भी चले गए, सुध बुध भूल गए और गुरु की सेवा में लग गए। तो इसी तरीके से गुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज अपने गुरु मामचंद दास जी की सेवा में लग जाते हैं और वहां से खबर आ जाती है कि उनको ऑफिस में बुलाया है, उनको दफ्तर में बुलाया है उनके अधिकारी ने। लेकिन उस सेवा में वे लगे हुए थे, मगन हो रहे थे, गुरु महाराज की सेवा में लग रहे थे, भोजन में लग रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे, उनकी वाणी सुन रहे थे, उनके वचन सुन रहे थे। इस मगन में वे भूल गए सुध बुध सब कुछ। जिस कार्य को उनको करना था ऐसी गुरु की माया हुई,
ऐसे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की माया हुई कि जो कार्य उनको वहां दफ्तर में करना था जाकर के वहां हाजिरी लग रही है और वो कार्य संपूर्ण हो गया और उनको लग रहा है। और जब वहां गुरु महाराज गुरु मामचंद दास जी ने कहा, अरे भाई ज्ञान भिक्षुक अब जा दफ्तर में पहुंच जा और अपना कार्य पूरा करने जाकर के। जैसे सुबह हुई भोर हुई और दफ्तर में गए तो उन्हें लगा कि मैं तो यहां आया ही नहीं, मैं तो यहां आया ही नहीं, ये कार्य पूरा कैसे होगा। जाकर के जैसे ही अधिकारी से मिले और उन्होंने कहा, अरे ज्ञान भिक्षु तूने तो ये कल ही कार्य सारा पूरा कर दिया था। उन्होंने एकदम अचंभा होया कि मैं तो यहां आया ही नहीं, मैं तो अपने गुरु की सेवा में था, अपने गुरु की सेवा कर रहा था। और सिपाहियों ने उनको कहा, रे तुमने तो इतना अच्छा कार्य किया है, सारा जितना भी लिखत पढ़त का था सारा कर दिया, लेकिन अचंभा होता रहा। और जब वहां जाकर के वापिस गुरु ज्ञान भिक्षुक जी अपने गुरु मामचंद दास से मिले तो गुरु प्रेमियों वहां मामचंद दास नहीं, ये गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने बताया कि वहां मामचंद दास नहीं, वहां संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज बैठे थे। उनके भेष में जब ही उनके दिल में लग गई कि ये जितना भी ये मोह माया है, ये नौकरी तो अब मुझे संसार की नहीं करनी, अपने सतगुरु की नौकरी करनी है, अपने सतगुरु रविदास की नौकरी करनी है, इस समाज को सुधारना है, इस समाज का उद्धार करना है। और जब ही निकल गए वहां से, गुरु की दर्शन करके देख लिया कि रविदास क्या है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसे स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज को दर्शन दिए और उनका कार्य संपूर्ण किया। गुरु प्रेमियों तो ऐसे थे गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जिन्होंने भक्ति का डंका बजा दिया और उसी डंके को दे दिया गुरु समनदास जी के हाथ में, और उन्होंने पूरे संसार में इस अलख नाम का, इस निर्गुण भक्ति को आज हमें सबको दिया है जो उनकी छतर छाया में जी रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों ऐसे सतगुरु की आप जन्म भूमि पे बैठे हैं, धन्य है सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के, उन्होंने संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज का आशीर्वाद आज हमारे और आप पे सबके सिर पे है। तो बोलो साधो।